हेलो एवरीवन, स्वागत करते हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल कोड करना पर। आज सॉल्व करेंगे जीएमसी के प्रॉब्लम ऑफ द डे। तो इजी लेवल के अपने पास प्रॉब्लम है, तो सबसे पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट पढ़ेंगे, फिर उसके प्रोज देखेंगे, उसका कोड करेंगे, और जिस कोड का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कोड दोनों लैंग्वेज में करेंगे, सीपी में भी और जावा में भी। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट देखते हैं हमारे पास क्या कह रही है। एक रेक्टेंगल पाथ होगा हमारे पास, ठीक है, ट्रेन को ट्रेवल करना है, एन रोज होगी मतलब हमारे पास, ठीक है, और एम हमारे पास होंगे कॉलम्स। ट्रेन क्या कर सकती है, ग्रिड जो हमारे पास पूरी मैट्रिक्स होगी एक तरह से, उसमें से किसी भी सेल से स्टार्ट कर सकती है, ठीक है। एक स्ट्रिंग में हमारे पास कमांड गिवन होगी, चार तरह की हमारे पास कमांड हो सकती है, एल आर डी यू। एल इंडिकेट करता है कि लेफ्ट में जाना, आर राइट में, डी डाउन, यू अपर। तो ये हमारे पास यहाँ पर चारों कमांड दी हुई है, ठीक है। एल से हम कहाँ पर चले जाएंगे, जिस सेल पर इनिशियली होंगे उससे एक लेफ्ट में, आर से एक राइट में, फिर एक डाउन, फिर एक अपर। तो इस तरह से जो स्ट्रिंग है वो किसी भी फॉर्मेट में हो सकती है, ऐसा भी हो सकता है शुरुआत में तीन एल हो, फिर एक डाउन हो, एक अप हो, दो राइट हो, किसी प्रकार से वो हमारे पास स्ट्रिंग हो सकती है। हमें बताना है क्या हम कोई ऐसा पूरी मैट्रिक्स में से कोई ऐसा सेल चूज कर सकते हैं कि वो सारी ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद, सीक्वेंस वाइज वो सारी ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद जो मेरी ट्रेन है वो ग्रिड के अंदर ही रहे, आउट ऑफ बाउंड ना जाए, ठीक है। तो अगर इसकी बात करें, इस ग्रिड का साइज क्या है, 1x1, तो मतलब एक ही सेल होगा। अब एक ही सेल है इनिशियली, आप उसी पर हो गए, आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है, राइट आपको मूव करना पड़ेगा अगर उस सेल से। अब एक ही सेल है राइट में, तो कोई सेल नहीं है, तो आउट ऑफ बाउंड हो जाओगे। आंसर आ गया भाई 0, कि भाई नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ट्रेन मूव नहीं कर सकती उस ग्रिड के अंदर अंदर ही। अगर इसकी बात करें, इस एग्जाम्पल को व्हाइट बोर्ड पर बना के देखते हैं अपना। स्ट्रिंग मेरे पास क्या गिवन है, एल एल आर यू, एन मेरे पास गिवन है 2, एम मेरे पास गिवन है 3, ठीक है। तो 2x3 के एक अपने पास सिंपल सी मैट्रिक्स बना लेते हैं, ये अपनी यानी कि 2x3 के एक मैट्रिक्स, ठीक है। अब आपके पास 6 ऑप्शन है, इनिशियली आप किसी से भी स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। तो आप क्या करोगे, मान लेता हूँ आप इनिशियली यहाँ पर हो, तो आपको लेफ्ट जाना पड़ गया, लेफ्ट जाना पड़ गया, आउट ऑफ बाउंड हो गया। इसका मतलब ये सेल तो आप इनिशियली नहीं हो सकते इस सेल पर। तो अगर इस सेल की बात करें, अब ये सेल इस पर काटा मार दो भाई, इस सेल की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आए आप, आपको लेफ्ट जाना पड़ गया, लेफ्ट चले गए, फिर दोबारे आपको लेफ्ट जाना पड़ेगा, यहाँ से लेफ्ट चले गए, फिर आउट ऑफ बाउंड हो गए, मतलब ये दोनों सेल पे आपके फाट लग गए, दोनों सेल आपके आंसर में नहीं आ सकते। अगर इस सेल की बात करें, पहले लेफ्ट जाना पड़ेगा, लेफ्ट चले गए, फिर लेफ्ट जाना पड़ेगा, फिर लेफ्ट चले गए, फिर राइट जाना पड़ेगा, भाई राइट चले गए, मतलब इस वाले सेल पर आ गए, फिर अप होना पड़ गया, जैसे अप जाओगे आउट ऑफ बाउंड, मतलब भाई ये वाला सेल भी आपका काट लग गया, ये वाला सेल भी आपका आंसर में नहीं आएगा। इस सेल की बात कर लेते हैं, ये और ये वाला सेल भी आपका आंसर में नहीं आएगा, क्योंकि स्टार्टिंग के जो दो दो ऑपरेशन है, दो कमांड है, वही मेरी लेफ्ट है। अगर आप इस पर स्टैंड करोगे तो फिर आउट ऑफ बाउंड हो जाओगे, इस पर स्टैंड करोगे एक बार तो लेफ्ट चले जाओगे, दूसरी बार जाओगे फिर आउट ऑफ बाउंड हो जाओगे। अब खाली ये सेल बचा, इसमें करके देख लेते हैं सारे ऑपरेशन, दो बार लेफ्ट, एक दो बार लेफ्ट, एक बार राइट, एक बार राइट आ गया भाई, एक बार अब चले गए तो इस सेल में आ गया, मतलब पूरी स्ट्रिंग ट्रेवल्स कर लिया, आउट ऑफ बाउंड नहीं हुए, मैट्रिक्स के अंदर अंदर रहे, तो आंसर आ गया। एक ऑप्शन आपके पास क्या, आप एक सेल को पिक करो, पूरी स्ट्रिंग परफॉर्म करो, देखो आउट ऑफ बाउंड जा रहे हो या नहीं जा रहे हो, ठीक है। तो उस केस में आप सबसे पहले आपको पूरी स्ट्रिंग, पूरी आप जो मैट्रिक्स है वो ट्रेवल्स करनी पड़ेगी, एन क्रॉस एम, क्रॉस हर बार आपको हर पॉइंट के लिए पूरी स्ट्रिंग को ट्रेवल्स करना पड़ेगा कि ये स्ट्रिंग वैलिडेट होती है, मैं कहीं आउट ऑफ बाउंड जाता हूँ या नहीं जाता हूँ। तो एन क्रॉस एम क्रॉस एस की जो लेंथ है वो उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बन के आ जाएगी, जो कि बहुत ज्यादा है। मेरे को सिर्फ ज्यादा ज्यादा क्या कर सकता हूँ, जो मेरे को कहा हुआ है इस स्ट्रिंग को ट्रेवल्स कर सकता हूँ मैं, मेरे को इस मैट्रिक्स को भी पूरी ट्रेवल्स नहीं करना है, इस खाली स्ट्रिंग को ट्रेवल्स करना है, और ये बताना है भाई मैं कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ, बिल्कुल सिंपल ये बात मेरे को बतानी है। तो वो काम हम कैसे करेंगे वो देखते हैं। जैसे मेरे पास ये स्ट्रिंग गिवन है, एंड मेरे पास गिवन है 2, एम मेरे पास गिवन है 3, एम 3 का इंडिकेट करता है कि ऐसे मैं मैक्सिमम भाई 3 लेंथ में ट्रेवल्स कर सकता हूँ, इससे ज्यादा नहीं। एन टू का इंडिकेट करता है भाई ऐसे मैं 2 लेंथ में ट्रेवल्स कर सकता हूँ, उससे ज्यादा नहीं, ठीक है। तो क्या हम इस स्ट्रिंग को ट्रेवल्स करके ही पता नहीं लगा सकते कि यार जो मेरी मैक्सिमम है, मैं वर्टिकली हॉरिजॉन्टली कितना ट्रेवल्स कर रहा हूँ, ठीक है, रो और कॉलम में कितना ट्रेवल्स कर सकता हूँ मैक्सिमम। तो हम क्या करेंगे, मेरे पास एल है, एल का इंडिकेट करेगा भाई लेफ्ट साइड जाना है, ठीक है। इनिशियली मैं मान के चलूंगा कि मैं अभी तक कहीं मूव नहीं कर रहा हूँ, मैं 0 हूँ, मैं ना लेफ्ट ना राइट कुछ नहीं मूव कर रहा हूँ, ठीक है, लेफ्ट भी राइट भी सारी की जगह अब तक 0 ही हूँ। तो जैसे मैं लेफ्ट मूव करूंगा, अब लेफ्ट मेरे इधर मूव करेगा, मैं दोनों के लिए एक इंडिकेशन लूंगा, लेफ्ट के लिए मैं करूंगा माइनस कि मैं इधर मूव कर रहा हूँ, राइट के लिए करूंगा मैं प्लस के भी मैं इधर मूव कर रहा हूँ, ठीक है। तो जैसे ही मैं लेफ्ट मूव करूंगा, इसका मतलब मैं -1 स्टेप लेफ्ट मूव कर गया,
फिर दोबारा आया मैं, इसका मतलब मैं -2 स्टेप लेफ्ट मूव कर गया, बिल्कुल सिंपल बात। फिर आया मैं राइट पर, अब देखो आपने क्या करा, 1 स्टेप ऐसे मूव करे, फिर 1 स्टेप ऐसे मूव करे, जैसे ही आप राइट पर आओगे फिर 1 स्टेप ऐसे मूव करोगे, मतलब -2 +1 हो जाएगा, जैसे राइट आएगा आपको +1 कर देना है, अब आप -1 स्टेप पर हो इनिशियली से अपने, बिल्कुल सिंपल बात। फिर आया आपका आप, तो इसका मतलब आप, मैं ऊपर जा रहा हूँ उसके लिए ले लूंगा -इंडिकेशन, -1 इंडिकेशन में ऐसे मूव करूँ। अब यहाँ से आप देख लो आपका जो मैक्सिमम है, जो आप ऐसे मूव कर रहे हो, आप कितना इधर ही खाली इधर ही मूव कर रहे हो, ठीक है, जो आपकी इनिशियल पोजीशन मान लीजिए, जो भी आपकी इनिशियल पोजीशन थी उससे आप इधर ही मूव कर रहे हो, कितना मूव कर रहे हो, -2, मतलब 2 स्टेप ही मूव कर रहे हो, ठीक है, और 1 स्टेप पर आप इनिशियली हो गया, मतलब 1 2, तो टोटल स्टेप आप कितने हो जाएंगे, 2 स्टेप तो आप मूव कर रहे हो, और 1 स्टेप पर आप होंगे इनिशियली, तो 3 स्टेप हो जाएंगे, वो थ्री वो आएगा मेरा एम के अंडर, और ऐसे आप कितना मूव करे हो, -1, तो एबीएस इसका लोगे, मतलब 1 स्टेप ऐसे मूव करे हो, और 1 सेल पर आप इनिशियली भी होंगे, तो टोटल हो जाएंगे 2, तो ये आ गया आपका 2, तो दोनों 2 और 3 के अंदर है, ऐसे भी मूव करना और ऐसे भी मूव करना, तो आप रिटर्न कर दोगे, वरना अगर कोई सा भी इससे बाहर जाता है तो आप रिटर्न 0 कर दोगे। अब इस चीज को इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे वो भी देखते हैं। मैं क्या करूंगा, 2 वेरिएबल ले लूंगा, एक ले लूंगा साइड, साइड में ना होगा कि मैं ऐसे कितना मूव कर रहा हूँ, एक ले लूंगा मैं नीचे, ठीक है, जो मेरा इंडिकेट करेगा कि ऐसे नीचे ऊपर एक तरह से मैं कितना मूव कर रहा हूँ, ठीक है, अगर नीचे मेरा नेगेटिव होगा मतलब इनिशियल पोजिशन से मैं ऊपर ही साइड हूँ, और एक मेरे को क्या लेना पड़ेगा भाई, साइड में मैक्सिमम कितना मूव कर रहा हूँ इस साइड में, और इधर कितना मैक्सिमम मूव कर रहा हूँ अपने पोजिशन से, ऊपर अपनी पोजिशन से कितना मूव कर रहा हूँ, नीचे मैक्सिमम कितना मूव कर रहा हूँ, तो साइड मेरी लेफ्ट साइड क्या जाएगी नेगेटिव में, तो यहाँ पर ले लूंगा मैं मेन साइड, ठीक है, जो मेरे इंडिकेट करेगा मैं लेफ्ट में मैक्सिमम कितना गया हूँ, एक ले लूंगा मैक्स साइड, जो मेरा इंडिकेट करेगा मैं राइट में मैक्सिमम कितना गया हूँ, सिमिलरली ले लूंगा मैं एक मैक्स नीचे, जो इंडिकेट करेगा मैक्सिमम नीचे में कितना गया हूँ, एक मैं ले लूंगा मिन नीचे, जो मेरा इंडिकेट करेगा मैं ऊपर कितना गया हूँ मैक्सिमम, ठीक है, ये मैंने मिनिमम क्यों लिया है, क्योंकि ऊपर जाते वक्त मैं नेगेटिव कर रहा हूँ, माइनस माइनस कर रहा हूँ अपना स्टेप, और ऐसे ही लेफ्ट जाते हुए मैं अपने स्टेप माइनस माइनस कर रहा हूँ, इसलिए उसके लिए मैंने मिनिमम लिया, ठीक है, इन सबको स्टार्टिंग में 0 ले लेंगे, क्योंकि स्टार्टिंग में तो मैं कहीं भी मूव नहीं करा हूँ, जैसे ही मेरा LLRU आएगा, जैसे ही मेरा L आया मैं क्या करूंगा, साइड माइनस माइनस, अपनी जो भी मेरी इनिशियल पोजीशन होगी उससे एक लेफ्ट मूव कर जाऊंगा, साइड माइनस माइनस, ठीक है, तो मेरा मेन साइड क्या होगा, मिनिमम होगा साइड का, तो साइड मेरी हो चुकी है -1, तो मेन साइड मेरा अपडेट हो जाएगा -1 से, मैक्सिमम साइड मान लीजिए मैं इस पोजीशन पर हूँ, मैं अभी यहाँ तो आया हूँ, ठीक है, मैक्सिमम राइट साइड तो अभी तक मैं गया ही नहीं हूँ, वो तो मेरी 0 ही रहेगी, वो मेरी 0 ही रहेगी, बाकी ये दोनों तो अपने 0 ही रहेंगे, मैक्स नीचे और मिन नीचे, फिर मेरे पास दोबारा आ जाता है, फिर मेरा साइड माइनस माइनस हो जाता है, ये बन जाता है मेरा -2, तो मिन साइड मेरा क्या हो जाएगा, -1 से -2, ये मेरा 0 ही रहेगा, ठीक है, क्योंकि राइट इनिशियल पोजिशन से राइट साइड तब तक मैं गया ही नहीं हूँ, फिर मेरा आया आर, तो मेरा वर्स साइड प्लस प्लस, ये बन गया मेरा -2 से -1, मैक्सिमम क्या रहेगा, -2 ही, मतलब लेफ्ट साइड मैक्सिमम -2 तक ही गया हूँ, राइट साइड अभी तक नहीं पहुंचा, क्योंकि आर आने के बाद भी मैं जहां तक -2 तक चला गया था, 1 स्टेप उससे गया आया हूँ, मतलब कुछ 1 स्टेप ऐसे गया, फिर 1 स्टेप ऐसे गया, फिर 1 स्टेप बस यहीं पर तो आया हूँ, अभी जो मेरी इनिशियल पोजिशन थी उससे राइट में तो मैं पहुंचा ही नहीं हूँ, तो ये तो मेरा अभी तक 0 ही रहेगा। फिर रखता है मेरा यू, यू में मेरा क्या, नीचे माइनस माइनस, नीचे माइनस माइनस मतलब मैं ऊपर जा रहा हूँ, ये मेरा हो जाएगा -1, तो मेरा जो मिनिमम वाला है ये मिनिमम नीचे हो जाएगा -1, ठीक है, और मैक्सिमम मतलब डाउन तो मैं गया ही नहीं, वो मेरा 0 ही रहेगा। फिर मेरे को क्या करना है, अब मेरी जो मेन साइड की वैल्यू आई हुआ है -2, के भाई लेफ्ट में -2 गया हूँ, मैक्स साइड मतलब राइट कितना गया हूँ, 0 ही गया हूँ, मेन नीचे मैं कितना गया हूँ भाई, -1, मतलब 1 स्टेप ऊपर गया हूँ, मैक्स नीचे मैं कितना गया हूँ, 0, मतलब डाउन में गया ही नहीं हूँ, ठीक है, ये मेरी स्ट्रिंग है, इस स्ट्रिंग से मेरी ये ऑपरेशन हो जाएगी, तो अब मेरे को क्या करना है, साइड मूवमेंट अपनी देख लेनी है, टोटल कितनी है, 0 प्लस, इसका एबीएस निकाल लो क्योंकि डिस्टेंस तो पॉजिटिव में ही होगा, प्लस 1 सेल पर आप होगे भी स्टार्टिंग में, तो टोटल कितने सेल चाहिए इसको मूव करने के लिए, 3 3 सेल मेरे पास एम में है, और इसकी बात कर ले तो 0 प्लस, इसका एबीएस 1 प्लस 1, जिस सेल पर आप इनिशियली होंगे तो यह 2, एन की वैल्यू के अंडर अंडर है, उससे ग्रेटर नहीं है, तो एम एन के अंडर है,
रिटर्न 1 कर देंगे, वरना रिटर्न अगर कोई एक फॉल्स होता है रिटर्न 0 कर देंगे। अब क्या करते हैं, इसकी टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी एक बार मैं आपको बता देता हूँ। कुछ नहीं कर रहे, सिर्फ अपनी स्ट्रिंग को ट्रेवल्स कर रहे हैं, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगी स्ट्रिंग की जो भी मेरी लेंथ है। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को यूज नहीं कर रहे, स्पेस तो 1। अब क्या करते हैं, इसको कोड कर लेते हैं। अब यहाँ पर मैंने एक लिया था साइड SIDE, और एक लिया था नीचे 0 से, और एक लिया था मैंने मैक्स साइड, जो होगा मेरा 0 से स्टार्टिंग में, तो एस कैपिटल ले लेते हैं यहाँ पर। एक लूंगा मीन साइड जो भी 0 होगा, एक लूंगा मैं मैक्स नीचे NICHE जो भी 0 से होगा, एक होगा मेरा मीन नीचे जो भी मेरा 0 से होगा। उसके बाद मेरे को सिंपल स्ट्रिंग को अपनी ट्रैवर्स कर लेना है। अगर एक्स आता है इक्वल इक्वल आर के, साइड प्लस प्लस, ठीक है, राइट साइड जा रहे हैं, एल सिफ एक्स इक्वल इक्वल लगता है एल के, लेफ्ट साइड जा रहे हैं तो साइड माइनस माइनस, एल सिफ एक्स इक्वल इक्वल लगता है मेरे पास यू के, अप जा रहे हैं तो नीचे माइनस माइनस, एल्स मेरे पास क्या होगा डी के इक्वल आएगा, डी के इक्वल आएगा तो डाउन जाएंगे तो नीचे प्लस प्लस, ठीक है। अब मैक्स साइड क्या होगा, मैक्सिमम हो मैक्स साइड कोमा साइड, सिमिलरली यहाँ पर 3 और आ जाएंगे, यहाँ पर आ जाएगा मीन साइड कोमा साइड, ठीक है, ये हो गया मेरा मीन साइड। और मैक्स नीचे, मैक्सिमम नीचे मैं कितना गया हूँ, वो होगा मेरा मैक्सिमम ऑफ मैक्स नीचे कोमा नीचे नीचे, ठीक है। सिमिलरली मैं ऊपर कितना गया हूँ, वो होगा मिनिमम ऑफ नीचे कोमा मिन नीचे, और ये मिनिमम निकाल दिया तो आ जाएगा MN, ठीक है। और सेम यहाँ पर आ जाएगा मिन नीचे। अब लास्ट में क्या करना है, इफ अगर मेरे पास एक्स साइड जितना मैं राइट में जा चुका हूँ प्लस ABS हो मिन साइड प्लस 1, अगर वो ग्रेटर देन लगता है मेरे एन से तो रिटर्न कर दो भाई फॉल्स, मतलब एक तो यहाँ पर 0 1 रिटर्न करना है 0। सिमिलरली अगर मेरा मिन नीचे और मैक्स नीचे ग्रेटर देन लगता है एम के, तो भी रिटर्न कर दो 0। प्लस 1 किस लिए कर रहे हैं, क्योंकि इनिशियली भी तो किसी सेल पर होंगे उसके लिए प्लस 1, उस सेल को इंक्लूड करके, वरना रिटर्न कर दो भाई। हाँ भाई कोई दिक्कत नहीं है, स्ट्रिंग के मतलब मैट्रिक्स के अंदर अंदर ही घूमेंगे हम। एक बार क्या करते हैं, इसको चला के दिखा देता हूँ आपको, कोई इस मैटर आएगा तो उसको देख लेंगे। सही चल रहा है, इसको करते हैं सबमिट, फिर इसका जावा कोड भी लिखेंगे अपना, कहीं पर एरर आया देख लेते हैं कहाँ पर गलती है। तो गलती ये है, ये साइड मैंने किसके लिए ले रखा है, ऐसे मूव करने के लिए, कॉलम में मूव करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर एम आएगा और यहाँ पर आएगा एन। अब करते हैं इसको सबमिट, सबमिट हो जाना चाहिए, फिर लिखेंगे इसका जावा कोड, ये वह सबमिट। अब चलते हैं इसके जावा कोड पे, यहाँ पर भी मैं अपना सिंपल इंट एक तो साइड ले लेता हूँ जी, एक ले लेता हूँ नीचे, और साथ के साथ वो अपने चारों वेरिएबल मैक्स साइड 0 मीन साइड 0 मैक्स नीचे 0 मीन नीचे 0। उसके बाद क्या करना है, स्ट्रिंग को ट्रैवर्स करना है इक्वल टू 0 आई लेस देन एच डॉट लेंथ आई प्लस प्लस। उसके बाद एक क्या करते हैं, कैर एक्स ले लेते हैं जिसमें हम एच डॉट कैर एट आई जो भी होगा वो स्टोर कर लेंगे। इफ एक्स इक्वल टू इक्वल टू एल मतलब लेफ्ट है तो साइड माइनस माइनस, एल्स इफ एक्स इक्वल इक्वल आ जाता है आर के तो साइड प्लस प्लस, एल्स इफ एक्स इक्वल इक्वल आ जाता है मेरे पास एक्स इक्वल इक्वल आ जाता है किसके आपके तो नीचे माइनस माइनस, एल्स नीचे प्लस प्लस, और मैक्स साइड क्या होगा, मैक्सिमम ऑफ मैक्स साइड कोमा साइड, यहाँ पर आ जाएगा मिन साइड, यहाँ पर है मेरा मिन साइड, और मैक्स MAX मैक्स नीचे मेरे पास क्या होगा, मैक्सिमम ऑफ मैक्स नीचे कोमा नीचे, सिमिलरली आ जाएगा मेरे पास मिन नीचे यहाँ पर भी आ जाएगा मेरा मिन नीचे। लास्ट में मेरे को करना है इफ मैक्स साइड प्लस
मैथ डॉट ए बी एस ऑफ मिन साइट प्लस वन अगर ग्रेटर देन आता है एम के तो रिटर्न कर दो जीरो, या फिर इफ मैक्स नीचे प्लस मैथ डॉट ए बी एस ऑफ मिन नीचे प्लस वन अगर ग्रेटर देन जाता है मेरे एन के तो भी क्या कर दो रिटर्न जीरो, वरना कर दो रिटर्न वन। और एक और चीज़ यहाँ पर भी सारे में मैथ डॉट मैक्स आएगा, मैथ डॉट मिन सिमिलरली मैथ डॉट मैक्स और मैथ डॉट मिन। ठीक है, एक बार इसको भी चला कर देख लेते हैं, इसमें कोई एरर आएगा तो उसको भी देख लेंगे। नहीं चल रहा, इसको भी सबमिट करते हैं गाइज। और गाइज आपको दोनों कोड का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल रहा होगा, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक से सब्सक्राइब कर सकते हो। आई होप आपको प्रो समझ में आएगी, कोड समझ में आएगा। फिर भी किसी प्रकार का डाउट रखते हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।